घर वालों को मतलब वहाँ इतने सारे थे फैमिली, तो उनको छोड़ कर आए तो मतलब रूम में मन ही नहीं लग रहा था। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम लेके आपके लिए बहुत ही प्यारा सा ब्लॉग, तो ब्लॉग को एंड तक देखना। और उठ चुके हैं, नहाई देख करेंगे अब, और मैं मिलवाता हूँ सबसे आपको। तो गाइज देख सकते हो इधर अभी कोई भी नहीं है घर पे, सब क्या पता किधर किधर गए। और सुबह का माहौल ऐसा ही देख लो आप, मतलब बिल्कुल सामने, बिल्कुल बिल्कुल सामने देख सकते हो आप तालाब है। और शाम सुबह पीले का व्यू बहुत अच्छा था यहाँ पे, और सूरज बाबा उग गया है। अब खाना वाना खाएंगे, और मम्मी देखो क्या कर रही है इधर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, खा ली रोटी वोटी? कौन लाल तो न खाया, अब खाओ ली। अब कौन लाल बर्तन भांडा मांज रहे जा? अच्छा अच्छा अच्छा, फिर नया धोया कर जा। अच्छा ना बिल्ली ओ देव महाराज के जय जय देव जी का मौज होगी भाई। तो गाइज नहा धो के फिर हो गया हूँ, खाना भी खा लिया है, और दिन के बज चुके हैं 10-11, मतलब 11-12 बज चुके हैं। अब हम जाने की सोच रहे हैं जयपुर, क्योंकि यार मतलब हमको जाना पड़ेगा, तो हम जयपुर जाने की वापस सोच रहे हैं। तो अब जाएंगे जयपुर, तो अब हम जयपुर जा रहे हैं। तो चिंकू बोलेगी मैं चाय पी के जाऊंगी, तो अभी चिंकू चाय बना रही है। चिंकू का आज बर्थ है, तो यार इसने तो खाना नहीं खाया, मैंने तो खाना खा लिया। तो गाइज गर्मी बहुत ही खतरनाक पड़ रही है, और देख सकते हो आप कंडीशन खराब हो चुकी है मेरी। ये बताओ पिलता ना सिखाई क्या रही और मिठाई क्या मिठाई क्या मिठाई मिठाई क्या खाई मिठाई की मिठाई की बात है। हाँ जी जी, गाड़ी तेरे करो मिठाई ले आई जी आ रही मिठाई है। हाँ अच्छा अच्छा, और मिठाई की बात है। हाँ जी रावल है, मिठाई मिठाई खा लो मिठाई। हाँ अरे भगवान। तो गाइस सब एंजॉय कर रहे हैं, फुल एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे बैठे बैठे, और बातचीत कर रहे थे। आंटी दोनों सासू बुआ बतला रही थे, और मेहंदी बतला रही था। लाइट भी आ गई, चल गई जी, फाची आ गई, और बड़े वीडियो घुमाए थे। तो गाइस अब जाने की तैयारी हो रही है, चिंकू ने सामान रख रही, चिंकू इधर मम्मी बैठी है, चले सामान वामान रख दिया इसमें। चिंकू तैयार हो गई, इधर लाड़ा बैठा है। लाड़ा क्या पता क्या सोच रहे, कहीं सोच रही थे चलो ना चलो अबाउट नाच बागानी ना चलना ना चलना ना चलना चला जी बड़े मस्त रे वगर एकदम मस्त किसान का है तू भी बड़े मस्त रे वगर का दिक्कत ले तू बड़े रे वगर तो मस्त। और फोन ऑन तो बात कर ले जा चला। तो गए शाम पड़ चुकी है, और अब जाने की तैयारी हो रही है, और मौसम भी देख तो बारिश जैसा हो रहा है, क्या पता बारिश आ सकती है रास्ते के अंदर। हाँ बारिश क्यों नहीं हो रही, मौसम भी बारिश आ सका जा बावले ने सेन मत करो रो रो बाप पागल से एक रे तू हां सर रोज गेली नहीं टेंशन ले उसको कोई तकलीफ हो तो बताओ भाई काय कर मार असन सर बावले से कर ले पे काय मतलब है मगो टेंशन कर दे मतबैन ओके ट्रेन से ले तो क्योंकि तो क्या दिक्कत मिल रही तो। तो गाइस हम आ चुके हैं इधर देव जी के घर से आ गए हैं, और अब जा रहे हैं जयपुर वापस। अब देव जी के ढोक ओक देख के फिर हम वापस जयपुर जाएंगे अभी, तो मतलब शाम पड़ने वाली है, तो देव जी के दर्शन करके आराम से जाएंगे। तो आप देख सकते हो देव जी की लोकेशन, मतलब एक नंबर मंदिर बनाया है देव जी का, बहुत ही खतरनाक। और हम तो भाई मैं तो जो भी हूँ बस इनकी कृपा से हूँ, और मैं तो देव जी के लिए कुछ भी करने तैयार हूँ भाई, हमेशा के लिए तैयार हूँ हर सपोर्ट में। हाँ भाई जिनको देव जी के लिए हम तैयार हैं हमेशा। और इधर देख सकते हो आप पीछे का व्यू देख सकते हो गाइस, मतलब पानी, मतलब इतना पानी देखो, ठेर तक पानी पानी। तो अब यहाँ से फ्री हो गए, अब चलते हैं फ्री होकर डॉग वॉक देख के, फिर चलते हैं, मिलते हैं आपको रास्ते के अंदर। तो भाई आ चुके रास्ते के अंदर, पेट्रोल भरवा रहे हैं। फुल फुल कर दो हेलो कर दे हाँ कर दे तो साइड फुल कर दो नहीं पहले Thank you.
ओके फुल हम आ चुके हैं गांव से, रूम पे आ चुके हैं, शाम पड़ चुकी है, खाना बना लिया, खाना वाना खा के फिर हो गए। और पहले व्लॉग नहीं बनाए थे क्योंकि यार गए बहुत ज्यादा थक गए थे, तो वहां से आगे सो गए थे, फिर सो के फिर मैं सो गया था, फिर चिंकू ने खाना वाना बनाया, फिर खाना वाना खा के फिर हो गए। अब शाम पड़ चुकी है, अब सोने की तैयारी है। तो गाइस गांव में गए और गांव के अंदर सबसे मिले, मतलब घर वाले से मिले, घर वाले के साथ अच्छा टाइम बिताया हमने और अच्छे से रहे। सब घर वालों का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है हमें, घर वाले अच्छे अच्छे बातें बोली घर वालों ने, मतलब घर वालों का फुल सपोर्ट है गाइस। और मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ गाई, क्योंकि कुछ लोग है जो हमारे बारे में मतलब बोलते हैं कि कुछ लोग है और वो लोग है हमारे गांव की, ये बोलते हैं कि यार तुम्हारे लड़का लड़की ऐसी वीडियो बनाते हैं, ये वैसे करते हैं, वैसे करते हैं। तो मतलब गाइज मैं तो ये बोलता हूँ कि जो इंसान आगे बढ़ता है ना, उस इंसान को मतलब कोई आगे नहीं बढ़ने देता, सब मतलब नीचे गिराने सोचते हैं। मतलब मैं गांव में गया तो मतलब पीछे से करते गाइज मेरे, मैं गांव में गया ना तो मुझे तो किसी ने कुछ नहीं बोला कि आप ऐसी वीडियो बनाते हैं, ऐसी बनाते हो, मेरे को तो किसी ने बोला, लेकिन पीछे से करते हैं। मेरे को भी किसी ने बोला है कि यार तुम्हारे बारे में ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। अब गांव में जाते हैं, रील्स बनाते हैं, तो फिर मेरी सासू माँ को बोलते हैं कि तेरी वो तो शर्म ही नहीं है, वो तो बिना घूंघट उगाड़ के वीडियो बनाती है, वैसे करती है। अब भाई हम दोनों रील बनाएंगे तो घूंघट थोड़ी ना डालूं, तब तो घूंघट उगाड़ना ही पड़ेगा ना। तो हम तो बस ये बोलना चाहते हैं कि हम मतलब मेहनत करके खा रहे हैं, किसी कोई मतलब चोरी करने जा नहीं रहे, भाई किसी का हम चोरी करने जा रहे हैं। लेकिन गाइस आपको पता ही देगी तो हर सबके साथ होता है, जो भी मतलब स्टार है, जो भी मतलब वीडियो क्रिएटर है, उनके सबके साथ होता है, सबके साथ होता है। जो इंसान आगे बढ़ता है तो उसको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, तो हमारे साथ ये हो रहा है। लेकिन हम तो हमारे घर वालों का बहुत ज्यादा सपोर्ट, हाँ लेकिन ये बात, हमारे घर वालों को सपोर्ट मिल रहा है। घर वालों को कोई बोलता है तो घर वाले तो ये बोलते हैं कि वो कुछ भी करे उनकी इच्छा, वो खुश है तो हम भी खुश है। तो मेरे घर वाले ये बोलते हैं कि वो दोनों जैसे भी खुश है तो हम खुश है। तो बस गाइस कभी भी घर वालों ने नहीं बोला कि आप गलत कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो, कुछ भी मतलब बोलने नहीं देते घर वालों को कुछ, भाई वो ऐसे बना रहे, फिर भी हमारे वो घर वाले कभी भी मना नहीं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा यार सबन भाई, मैं जैसे भी वीडियो बना रहे जा, मैं माई की लाइफ स्टाइल दिखा रहे जा, और या थे कौन भाई मतलब कोई चोरी करवा जा रहे जा, हाँ कोई कबार हम गलत बोल रहे जा, या फिर कोई गाड़िया काट रहे जा, ना कोई कबार हम गलत बोला, मतलब बस माई लाइफ स्टाइल दिखा रहे, मैं तो बस कर रहे थे टाइम पास, कैसे भी कैसे टाइम पास हो रही, भगवान की दया सू, देव नानी भगवान की कृपा सू, मतलब बहुत ही अकेला महसूस करे, मतलब घर वालों के मतलब वहाँ इतने सारे थे फैमिली, तो उनको छोड़ कर आए तो मतलब रूम में मन ही नहीं लग रहा, बिल्कुल अलग ही लग रहा है। गाइस आपको पता है मतलब शुरू मतलब दो पाँच दिन हम गाँव में लेके आए ना, तो सबके साथ तो अचानक होता है गाइस थोड़ा बहुत, आपको पता है घर वालों की याद आती है। और सबसे ज्यादा तो गाइस हमारी मतलब फिक्र करती है हमारी मम्मी, वो तो हमारी बहुत ज्यादा फिक्र करती है। वो हम आए तो मतलब इमोशनल हो गई, जैसे मतलब गाइस उसके मतलब बहुत ज्यादा टेंशन होती है, मम्मी के बहुत ज्यादा टेंशन होती है, कि टेंशन इसी बात की होती है कि यार हम जाते हैं तो दो पांच दिन उनके पास रहिए, तो अचानक आते हैं तो उनके मतलब होता है थोड़ा बहुत, और सबके होता है गाइस आपको पता है। लेकिन हमारी मम्मी बहुत अच्छी है, हमको बहुत ज्यादा प्यार करती है हमसे, ऐसी कोई बात नहीं गाई, आपको पता होगा शायद, आपने वीडियो में देख लिया होगा, हमको बहुत ज्यादा चाहती है, ऐसी बात नहीं है। तो गाई करते हैं वीडियो के यहीं पे एंड, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग, जब तक के लिए बाय, गुड नाइट।